गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जीएस के प्रश्नों को, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? ऑप्शन ए नामदेव, ऑप्शन बी चैतन्य, ऑप्शन सी कबीरदास या ऑप्शन डी रामानंद। तो बंगाल में भक्ति आंदोलन का जो प्रवर्तक था वो था आपका चैतन्य, और ये सभी आपके जो हैं ये सभी भक्ति आंदोलन से ही संबंधित हैं, लेकिन जो प्रवर्तक हैं इसके वो हैं चैतन्य। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, बाल मुरली का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आपको बताना है कि जो बाल मुरली हैं इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है, क्या वायलिन से है या वीणा से है या तबला से है या सितार से है? तो बताना है किससे इनका संबंध है, तो इनका जो संबंध है वो है वायलिन से, तो ऑप्शन नंबर ए का सही है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? क्या बलिया में हुआ था, क्या मेरठ में हुआ था, या वाराणसी में हुआ था, या लखनऊ में हुआ था? तो ये चारों आपके उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं, जिसमें बताना है कि मंगल पांडे का जो जन्म है वो किस जनपद में हुआ था। तो जो मंगल पांडे का जन्म है वो हुआ था आपके बलिया में, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है हमारा कि महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय किस राज्य में है? यानी महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विद्यालय कहाँ है? तो क्या यह विश्वविद्यालय आपका बिहार में है, या उत्तर प्रदेश में है, या झारखंड में है, या मध्य प्रदेश में है? वैसे देखा जाए तो गोरखनाथ यह मंदिर भी है एक, और यह है उत्तर प्रदेश में, और आपका जो गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय है यह भी आपका है उत्तर प्रदेश में, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है हमारा कि हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की ईंटों की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? इसमें आपको नेगेटिव आंसर बताना है कि कौन सा चित्रण किस जीव का नहीं किया गया है, क्या हाथी का, क्या गैंडे का, क्या बाघ का, या गाय का। अगर देखा जाए तो हड़प्पा संस्कृति की जो मुद्राएं मिली हैं उनकी जो पक्की ईंटें थी वहाँ की, वहाँ पर गाय का वर्णन नहीं मिला, गाय का वर्णन नहीं मिला, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, बल्कि हाथी गैंडा और बाघ इन सब के चित्रण मिले हैं और गाय का चित्रण नहीं मिला। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है हमारा कि हाइड्रा स्टार फिश प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं, यानी इनका जो जनन होता है यानी इनकी जो वृद्धि होती है वो किस प्रक्रिया के कारण होती है, यह बताना है। क्या होता है विखंडन के कारण, क्या मुकुलन के द्वारा होता है, या पुनर्जनन के द्वारा होता है, या उपयुक्त में से सभी के द्वारा होता है? तो विखंडन में क्या होता है, विखंडन में एक जीव से ये अलग होकर एक अलग जीव बनता है, मुकुलन भी ऐसे ही है, और पुनर्जनन के द्वारा जो हाइड्रा स्टार फिश प्लेनेरिया है इसकी जो वृद्धि है या जो ये उत्पन्न होता है वह होता है पुनर्जनन के द्वारा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है हमारा कि होगे नक्कल जल प्रपात किस नदी के तट पर स्थित है? होगे नक्कल जल प्रपात किस नदी के तट पर स्थित है, ये बताना है आपको। क्या कृष्णा के तट पर है, या पेरियार के तट पर है, या कावेरी के तट पर है, या गोदावरी के तट पर है होगे नक्कल जल प्रपात? तो जो होगे नक्कल जलप्रपात है यह है आपका कावेरी नदी के तट पर, कावेरी नदी के तट पर होगे नक्कल जलप्रपात बना है, और होगे नक्कल जलप्रपात आपका कर्नाटक में है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद का सृजन कब किया गया?
बताना है कि जो लोकायुक्त का पद है उत्तर प्रदेश में, उसका सृजन कब हुआ, यानी कि वह पद बनाया कब गया। 1975 में बनाया गया, क्या 1975 में बनाया गया, या 1950 में बनाया गया, या 1977 में बनाया गया, या 1992 में बनाया गया। तो जो उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद का सृजन है वह आपका किया गया 1975 यानी 1975 में। 1950 में संविधान लागू हुआ, 1992 में आपकी आई हाथी परियोजना। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है हमारा कि गुप्त काल की पक्की ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर स्थित है, यानी कहाँ स्थित है ये बताना है आपको। क्या चित्रकूट में स्थित है, या कानपुर में स्थित है, या गोरखपुर में स्थित है, या वाराणसी में स्थित है। तो बताना है आपको कि जो गुप्त काल की पक्की ईंटों से बना जो भीतर गांव मंदिर है यह कहाँ स्थित है, और ये चारों आपके उत्तर प्रदेश के जनपद हैं, और इस जनपद में बताना है कि किस जनपद में भीतर गांव मंदिर है। तो जो इसका ऑप्शन सही है वो है कानपुर, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जो भीतर गांव का मंदिर है ये कानपुर में है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा लोक नृत्य सुमेलित नहीं है। आपको चार लोक नृत्य दिए गए हैं और चारों के आपके राज्य दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा लोक नृत्य सामने दिए गए प्रदेश से संबंधित नहीं है। पहला है भांगड़ा पंजाब का है, बिहू असम का है, डांडिया गुजरात का है, या बाउल पश्चिम बंगाल का है। इसमें कौन सा गलत है बताना है, यानी सुमेलित नहीं है। तो भांगड़ा पंजाब का ये बिल्कुल सही है, बिहू आंध्र प्रदेश का नहीं है, ये है आपका असम का, ये है आपका असम का है। तो ये आपका गलत आंसर है और यही आपका सही है। अगर बात करते हैं डांडिया की, तो डांडिया गुजरात की है, ये करेक्ट है। बाउल पश्चिम बंगाल का है, ये भी आपका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से बताना है कि कौन सा राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है, जिनमें से तीन आपके राष्ट्रीय आय के हिस्से हैं और एक नहीं है। जिसमें पहला ऑप्शन है मजदूरी और वेतन, क्या मजदूरी और वेतन राष्ट्रीय आय का हिस्सा है, तो बिल्कुल सही है, ये राष्ट्रीय आय का हिस्सा है। मुनाफा, मुनाफा भी राष्ट्रीय आय का हिस्सा है, ये भी आंसर सही है। बताना है नहीं तो आपको गलत आंसर सेलेक्ट करना है। अगला है किराया, हाँ किराया भी एक राष्ट्रीय आय का हिस्सा है। अगला कुछ ऑप्शन है कि राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, तो जो राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज है यह है आपका राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है, और इसमें चौथा ऑप्शन सही है, यही आपका राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्वेश्चन है कि लैटराइट मिट्टी के निर्माण हेतु उत्तरदायी कारक क्या है, यानी जो लैटराइट मिट्टी है इसके निर्माण में जो कारक योगदान देते हैं वो कौन से कारक हैं। ऑप्शन ए जलोढ़ का निक्षेपण, क्या जलोढ़ के निक्षेपण से लैटराइट मिट्टी का निर्माण होता है, तो बिल्कुल भी नहीं, गलत ऑप्शन। लोयस का निक्षेपण, क्या लोयस के निक्षेपण से लैटराइट मिट्टी का निर्माण होता है, तो ये भी आपका गलत आंसर है। सहन वानस्पतिक आवरण, यह भी आपका लैटराइट मिट्टी के निर्माण का कारक नहीं है, तो ये भी आपका गलत है। ऑप्शन डी है अपछालन एवं केशिका क्रिया, तो अपछालन और केशिका क्रिया के परिणाम स्वरूप ही लैटराइट मृदा का निर्माण होता है, और आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा है कि मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होता है। आपको बताना है कि जो मुद्रास्फीति है इससे लाभ किसको होता है, क्या लेनदार को लाभ होता है यानी जो ऋण लिया है उसको लाभ होगा, या देनदार यानी जो ऋण को देगा उसको लाभ होगा, या बैंक को लाभ होगा, या होगा नागरिक को लाभ।
तो मुद्रा स्फीति का मतलब होता है कि मुद्रा की कीमत का घट जाना। तो मुद्रा स्फीति में जो लाभ होता है वो होता है आपके देनदार को, देनदार को लाभ होता है, यानी जो ऋण दे रहा है उसको लाभ हो रहा है यहाँ पे। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है हमारा कि किस पहर में राग भैरवी गायन सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। राग भैरवी गायन की बात करें तो यह एक प्रकार का संगीत होता है जो कि सुबह के समय गाया जाता है। और इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपके कि कौन सा ऑप्शन सही है। क्या रात में राग भैरवी का गायन होता है, या शाम के समय होता है, या सुबह के समय होता है, या दोपहर के समय होता है। तो जो राग भैरवी का गायन है वो सबसे अच्छा जो माना जाता है वो माना जाता है आपका सुबह के समय, यानी सुबह के समय राग भैरवी का गायन सबसे अच्छा माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है हमारा कि जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है, यानी कि जो जल की संशुद्धि अर्थात जल को शुद्ध करने में किस प्रकार का रसायन प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए पोटेशियम सल्फेट, ऑप्शन बी पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल। तो जल को शुद्ध करने में जो रसायन प्रयोग किया जाता है वह है आपका पोटेशियम परमैंगनेट। इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है हमारा कि मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है। बताना है कि जो मंडाना लोक कला शैली है यह कहाँ की है। तो मंडाना जो लोक कला शैली है क्या उत्तर प्रदेश की है, क्या छत्तीसगढ़ की है, क्या राजस्थान का है, या फिर केरल का है। तो जो आपका मंडाना लोक कला शैली है इसका जो संबंध है वो है आपका राजस्थान से, यानी जो मंडाना लोक कला है ये राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक कला है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा कि दमयंती जोशी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। जो आपकी दमयंती जोशी हैं यह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं बताना है आपका। तो क्या ये कथकली से संबंधित हैं, क्या ये कथक से संबंधित हैं, क्या ये मणिपुरी से संबंधित हैं, या कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। तो दमयंती जोशी का संबंध बताना है यहाँ पे। तो दमयंती जोशी का बात करें, अगर बात करें हम कथकली की तो कथकली केरल का है, मणिपुरी की बात करें तो यह मणिपुर का है, कुचिपुड़ी की बात करें तो यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। वहीं अगर हम कथक की बात करें तो कथक का संबंध उत्तर प्रदेश से है, और यह उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। और दमयंती जोशी का जो संबंध है वो है आपके कथक से। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा है कि डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित हैं। बताना है कि जो डायमंड हार्बर है और साल्ट लेक सिटी है यह कहाँ पर स्थित हैं। सूरत में, चेन्नई में, पटना में, या कोलकाता में। तो सूरत गुजरात में है, चेन्नई तमिलनाडु में है, पटना बिहार में है, और कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। और जो साल्ट लेक है और जो डायमंड हार्बर है यह सिटी है एक, और यह स्थित है आपके कोलकाता में। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है आपका कि कवि प्रदीप सम्मान किस राज्य द्वारा दिया जाता है। यहाँ पे कवि प्रदीप एक सम्मान है जो कि संबंधित राज्य बताना है कि किस राज्य से यह दिया जाता है, यानी कौन सा राज्य से प्रदान करता है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, या ऑप्शन डी कर्नाटका। तो कवि प्रदीप सम्मान का जो संबंध है वो है आपका मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है हमारा कि नेत्रा कुमानन का संबंध किस खेल से है। नेत्रा कुमानन का संबंध बताना है कि यह किस खेल से संबंधित हैं। और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है नौकायान, ऑप्शन ए नौकायान, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी क्रिकेट या ऑप्शन डी फुटबॉल। तो जो नेत्रा कुमानन का संबंध है यह जिस खेल से संबंधित है उसका नाम है क्रिकेट, यानी कि नेत्रा कुमानन का जो संबंध है वह क्रिकेट से है। और इसी के साथ आज के कंप्लीट होते हैं हमारे 20 क्वेश्चन जीएस के। और आपको सेशन कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं कमेंट में। इसी के साथ अपने सेशन को हम समाप्त करते हैं।